सो वेल हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दिस इज विवेक एंड यू आर वॉचिंग क्रिएटिव विवेक। सो गाइज सामने अभी आप लोग देख सकते हो होंडा की SP125 खड़ी है। सो आज का हमारा व्लॉग इसके ऊपर रहने वाला है, तो बने रहे व्लॉग के साथ, व्लॉग को स्किप ना करें। तो वीडियो में मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ इस बाइक के बारे में। बट गाइज सबसे पहले मैं कुछ इसकी आप लोगों को लुक चेकआउट करा देता हूँ, उसके बाद हम लोग बात करेंगे सीधा इसकी फीचर फंक्शंस के बारे में कि क्या कुछ इस बाइक में फीचर फंक्शन मिलती है और क्या कुछ इस बाइक की इंजन स्पेसिफिकेशन है। लुक आप लोगों ने इस बाइक की देख ली, तो अब अगर बात किया जाए तो इस बाइक में आपको कुछ खास फीचर्स मिलते हैं। बट सबसे पहले इंजन स्पेसिफिकेशन की बात कर लेता हूँ। सो आप यहाँ देख सकते हो SP125 की बैजिंग मिलती है, तो आप वो समझ ही रहे होंगे कि ये बाइक 125 cc की है। तो इंजन इस बाइक में आपको 125 cc की मिलने वाली है। और अगर बात किया जाए पावर का और टॉर्क का, तो वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। 10 PS की आपको इसमें पावर मिलेगी, वहीं 10 Nm की टॉर्क भी मिलेगी। फीचर की बात की जाए तो इस बाइक में आपको फुली LED लाइट मिलने वाली, हेडलाइट, और जो कि रात में बहुत ही ज़्यादा ब्राइट रहने वाली है एज कम्पेयर टू इट्स राइवल। इसमें कुछ ऐसे फीचर फंक्शन आते हैं जो कि आपको 125 cc की कोई और अदर बाइक में नहीं मिलती है। सो वो मैं आप लोगों को बता देने वाला हूँ और आप लोगों को मैं कुछ दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये सारी गार्ड है, तो जो कि एक मुझे अच्छा चीज़ लगा क्योंकि ये 125 cc की बाइक ज़्यादातर फैमिलियर यूज़ में आती है। सो लेडीज़ वगैरह को दिक्कत नहीं होने वाला है यहाँ पे बैठने के लिए। और बाकी आप लोग सॉकर देख सकते हो इस बाइक की कैसी है। सो सॉकर तो नॉर्मल ही है, बट थोड़ा सा स्मूथ कर दिया गया है सॉकर को। और चेन कवर देख सकते हो आप, वो हार्ड प्लास्टिक का मिलता है जिसके वजह से उस पर जल्दी रश नहीं लगेगा और बारिश में आप फ्रीली घूम सकते हो। बाकी ये आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, ये एक चीज़ है जो मैंने नोटिस किया, तो ये भी हार्ड प्लास्टिक का आपको मिलता है। अब पता नहीं ये क्यों किया गया और इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता कि ये अच्छा किया गया या बुरा किया गया, वो आप लोग ही जज करो कि क्या है। बाकी गियर सेटअप आपको इसमें 5 गियर की मिलने वाली है, वो मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। सो ये आप लोग देख सकते हो
यहाँ पे आपको फर्स्ट गियर, उसके बाद न्यूट्रल, फिर 2, 3, 4, 5, यानी 5 स्पीड गियर बॉक्स आपको इस बाइक में मिलने वाली है। अब गाइस बात किया जाए तो इसकी ब्रेक के बारे में और इसकी जो टेक्नोलॉजी है, तो HET होंडा इको टेक्नोलॉजी है कुछ इसकी एडवांस टेक्नोलॉजी, तो बहुत पहले से ही कंटिन्यू की गई है। बाकी ये ESP आप लोग देख सकते हो, ESP इनहेंस स्मार्ट पावर, तो इसमें ESP वगैरह कुछ इनके कंपनी के थ्रू आती है इस बाइक में। बाकी स्पार्क प्लग आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, और ये आप लोग देख सकते हो कैथलेटिक कन्वर्टर इसे बोलते हैं, जो कि BS6 में सभी बाइक्स में आपको देखने को मिलेंगी। और बाकी यहाँ आप लोग पीछे वाली ब्रेक की जो टैप करने वाली जगह वो आप लोग देख सकते हो, तो इससे कंबाइन होकर फ्रंट ब्रेक भी काम करता है। इट मीन जैसे CBS होता है कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम, सो उसी तरह का इसमें भी है। तो जैसे ही आप इस ब्रेक को टैप करोगे सो आपका फ्रंट ब्रेक भी उस समय काम करेगा। तो दोनों ब्रेक अटैच रहने वाले हैं, और आपको इसमें दो वेरिएंट मिलने वाला है, एक डिस्क और एक ड्रम। बट ये जो बाइक है वो डिस्क वेरिएंट है, आप लोग देख सकते हो। बाकी गाइस साइलेंसर वगैरह आप लोग देख लो किस तरह किस बाइक की है, और ये आप लोग देख लो एक बार कितना ही मस्कुलर आपको ये टैंक मिलने वाला है। टैंक पे होंडा की ये जो बैजिंग है बहुत ही अच्छी लग रही है मुझे। बाकी ये आप लोग देख सकते हो एक स्टाइल के लिए ये दी गई है, और ये फेक है, ऐसे इसका कोई काम नहीं है, और एक रॉड के थ्रू इसे सपोर्ट दिया गया है। और ऐसे आप लोग बताओ ये क्या कैसा लगा आप लोगों को। ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो है वो डबल पाइप आप लोगों को दिख रहा होगा डिस्क ब्रेक का, फ्रंट वाले डिस्क ब्रेक में। सो ये आप लोगों को लग रहा होगा कि इसमें दो पाइप क्यों दी गई है। सो एक जो पाइप है उसका कनेक्शन सीधे पीछे वाले ब्रेक से जुड़ा हुआ है, सो वो कंबाइन होकर काम करता है। जब भी आप पीछे वाले ब्रेक को टैप करोगे तो फ्रंट ब्रेक भी काम करेगा। बाकी निसिन का आपको यहाँ डिस्क ब्रेक दिखने को मिल रहा है, और शॉकर बहुत ही अच्छे, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट शॉकर आपको इसमें मिलता है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डबल वायर एक्सेलरेशन मिलता है, एक्सेलरेटर का वायर आपको, और जो कि पिकअप को बहुत ही बढ़ा देता है। और इसकी राइड वीडियो भी लाऊंगा मैं। बाकी आप लोग देख सकते हो टैंक बहुत ही मस्कुलर इस बाइक में आपको मिलने वाला है, जो कि बहुत ही इस बाइक की लुक को इन्हेंस करता है। तो एक बार मैं आप लोगों को दूर से दिखा देता हूँ कुछ इस तरह की बाइक की लुक आ रही है। ओवरऑल इसके जो राइवल है जैसे ग्लैमर है 125, उसकी भी वीडियो मैंने बना रखी है, वो भी आप लोग देख सकते हो। तो उसमें इतना मस्कुलर टैंक आपको नहीं मिलता है, कोशिश उन लोगों ने भी किया था, बट इस बाइक में आपको ज़्यादा मस्कुलर टैंक मिल रहा है, जो कि इसकी लुक को थोड़ी सी इन्हेंस करती है। सो गाइज अब फाइनली मैं आप लोगों की इसकी ऑडोमीटर चेकआउट करा देता हूँ। सो गाइज अभी सामने आप लोग देख सकते हो ये ऑडोमीटर कुछ इस तरह की है, जहाँ पे आपको न्यूट्रल और गियर इंडिकेटर मिलती है, जहाँ पे आप न्यूट्रल फर्स्ट सेकंड सब कुछ देख सकते हो गाइज। सो ये एक बहुत अच्छी एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो आप लोगों ने भी देखा फर्स्ट गियर और सेकेंड गियर दिख रहा है, इसी तरह से सारी गियर की इंडिकेशन आपको यहाँ मिलेंगी। बाकी इधर आप लोग फ्यूल का देख सकते हो, फ्यूल इंडिकेटर, बाकी डिजिटल ऑडोमीटर मिलते हैं, मतलब स्पीडोमीटर डिजिटल है, जो आप लोग जीरो देख रहे हो तो स्पीडोमीटर स्पीड बताएगा वहाँ पर आपको। बाकी यहां से आप लोग मोड चेकआउट कर सकते हो। सो ये किलोमीटर पर लीटर 57 की एवरेज दिखा रही है माइलेज, बाकी रेंज 245 किलोमीटर आप लोग देख सकते हो। और ये जो किलोमीटर परमानेंट है, और ये ट्रिप ए ट्रिप बी, और किलोमीटर पर लीटर मतलब एक एवरेज किलोमीटर है। सो आप एवरेज मतलब कितना बाइक निकाल रही है वो बताएगी, बाकी नॉर्मल। और फिर आप लोग इस बाइक की LED लाइट भी देख सकते हो, बाकी यहाँ पे आपको LED की बैजिंग भी मिल रही है LED, और लाइट बहुत ही तगड़ा रहने वाला है। रात में एक बार मैं ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो इसकी लाइट चेकआउट पे मैं निकालूँ, तो मैं रात के टाइम पे इसकी लाइट चेकआउट करूँगा, और वो वीडियो भी बहुत जल्द आएगी गाइज, और लाइट आप लोग देख ही सकते हो। सो गाइज अब हम लोग इसकी जो है इंजन साउंड सुन के एक बार देख लेते हैं, बट उससे पहले मैं आप लोगों की इसकी बैकलाइट चेकआउट करा देता हूँ। सो आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह की बैकलाइट आपको मिलने वाली, बिल्कुल LED की तरह। और गाइज ये आप लोग एक बार देख सकते हो मीटर में, ये जो 517 देख रहे हो वो टाइम भी है। कि गाइज इस बाइक की सबसे एडवांस फीचर ये है, जो अभी मैंने इंजन को स्टार्ट किया तो लो इंजन साउंड स्टार्ट टेक्नोलॉजी है इसकी। सो बहुत ही कम आवाज़ करते हुए सेल्फ से बाइक स्टार्ट हो रही है, जो कि बहुत ही एक एडवांस टेक्नोलॉजी है इस बाइक की। और वो जो किल स्विच बटन है उसी से आप बाइक को स्टार्ट कर सकते हो, और किल स्विच भी उसी में, स्टार्ट बटन भी उसी में है, अलग में कोई सेल्फ नहीं मिलता। इसे जैसे ही मैं टैप करूँगा तो बाइक बंद हो जाएगी, देखा आप लोगों ने बाइक बंद होगी, और उसी को दोबारा टैप करने पे बाइक स्टार्ट हो जाती है। बाकी ये पासिंग लाइट वगैरह भी आप लोग देख सकते हो। इस बाइक के बारे में जो कुछ भी बताना था मैंने बता दिया। बाकी लास्टली आप लोगों को एक बार मैं इसकी टर्निंग लाइट दिखा दूंगा, और ये आप लोग टर्निंग लाइट देख सकते हो बाइक की।
सो वेल गाइज, आज के वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, और जिसको भी जो क्वेश्चन करना हो तो वो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ सकते हैं। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव रही हो, और प्लीज़ बताना बाइक कैसी लगी आप लोगों को। बाकी इसकी राइडिंग वीडियो मैं बहुत जल्द आने वाला हूँ, और अगर इसी तरह की लेटेस्ट बाइक की अपडेट्स देखनी है, कार की अपडेट देखनी है, डेली ब्लॉग देखनी है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा गाइज। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरे चैनल पर आपको ग्लैमर की भी पूरी सीरीज़ देखने को मिलेंगी, और प्लीज़ उसको आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो, लिंक मैं दे दूंगा। और गाइज, इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और लास्टली मैं यही कहना चाहूँगा कि कल से परसों तक मैं और नेक्स्ट वीडियो जो है आने वाली इसकी राइडिंग वीडियो। सो आज के वीडियो को यहीं एंड करते हैं गाइज। सो बाय बाय।